गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ फॉर टीजीटी पीजीटी। इन सारे क्वेश्चंस को आप अपने लॉन्ग टाइम मेमोरी में सेव जरूर कर लीजिएगा। चलिए पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। हम अपने फर्स्ट पॉइंट पर, वो क्या है, हु फर्स्ट यूज द एक्सप्रेशन कैरेक्टर इज डेस्टनी। कैरेक्टर इज डेस्टनी, आप सबने इस टर्म को सुना होगा, कई बार शेक्सपियर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये टर्म यूज़ किसने किया था पहली बार, तो याद रखिएगा ये सबसे पहली बार जो यूज किया था वो किया था हेराक्लीटियस ने किया था। हेराक्लीटियस ने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था और हेराक्लीटियस को क्राइंग फिलोसोफर के नाम से भी हम जानते हैं, तो इसे भी पॉइंट याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हु सेड शेक्सपियर्स ग्रीव इमॉर्टल इन हिज ओन डिस्पाइट। ये किसने कहा था कि शेक्सपियर्स ग्रीव मोर्टल इमोर्टल, शेक्सपियर कैसे हो जा रहे हैं, इमोर्टल हो जा रहे हैं इन हिज डिस्पाइट। तो ये किसने कहा था, ये पोप ने कहा था। पोप ने भी कहाँ कहा था, तो पोप की एक वर्क है इमिटेशन ऑफ होमर, जो कि आई थी 1733 से 1778 तक, इसी ड्यूरेशन में इसका टाइमिंग है, और इसी में इन्होंने कहा था। पोप ने शेक्सपियर को एक और कहा था कि शेक्सपियर इज़ ए मैन ऑफ बिजनेस। तो कई बार अगर ये आपसे पूछे कि शेक्सपियर को मैन ऑफ बिजनेस किसने कहा था, तो याद रखिएगा पोप ने ही कहा था। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर, ये क्या है, टू होम इज अप्लाई द एपिथेट शेक्सपियर्स ऑफ डिवाइंस। तो शेक्सपियर ऑफ डिवाइंस किसे कहा जाता है, किसको उपाधि दी गई है, तो ये जेरमी टायलर को कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये पॉइंट, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा, जेरमी टायलर को क्या कहा जाता है, शेक्सपियर्स ऑफ डिवाइन, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हाउ मेनी प्लेस शेक्सपियर्स फॉलो थ्री यूनिटीज। थ्री यूनिटीज जानते हो क्या होती हैं, जो कि एरिस्टोटल ने दी थी, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ एक्शन। ये तीनों को शेक्सपियर ने पूरी तरीके से अपने अपने जो उनके ड्रामास पढ़ोगे आप, तो उन्होंने फॉलो नहीं किया है, लेकिन दो ऐसे प्ले हैं जिसमें कि पूरी तरीके से थ्री यूनिटीज़ फॉलो की गई है, तो ओनली टू प्लेस इसका आंसर है। तो ये भी जानते रहिए कि वो कौन से दो प्ले थे, तो याद रखिएगा पहला जो है वो कॉमेडी ऑफ एरर है और द टेम्पेस्ट है। कॉमेडी ऑफ एरर के बारे में एक और पॉइंट याद रखिएगा कि ये सबसे स्मॉलेस्ट प्ले है शेक्सपियर का, और आप जानते हो तो टेम्पेस्ट को लास्ट प्ले कहा जाता है कि उन्होंने पूरी तरीके का लिखे था, और इसे स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर प्ले भी कहा जाता है। तो इनको पॉइंट्स को जो मैं बताती हूँ वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। आई होप शायद आपको ये बात पता भी होगी, या हो सकता नहीं भी पता हो, तो आप इसे रिवाइज जरूर कर लिया कीजिए। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, व्हाट इज़ मिथोस। तो अभी हमने प्रीवियस ही वीडियो में इथोस के बारे में पढ़ा था, तो आपको पता है एरिस्टोटल ने अपने उन्होंने जिस किस तरीके से हमें लिखना चाहिए, क्या कैसे कैरेक्टर्स होने चाहिए, सबको डिफाइन किया है। तो इन्होंने इथोस जो शब्द है वो प्लॉट के लिए दिया था, प्लॉट कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, यानी प्लॉट कैसा होना चाहिए, प्लॉट को ही इथोस कहा जाता है, जैसे कि मिथोस कहा जाता है, सॉरी इथोस जैसे कैरेक्टर के लिए कहा जाता है, तो उसी तरीके से मिथोस जो है वो प्लॉट के लिए कहा जाता है। और याद रखिएगा कि एरिस्टोटल ने प्लॉट को ही कंसीडर कहा है, प्लॉट को ही वेरी इंपॉर्टेंट माना है, ठीक है, उन्होंने कहा है कि प्लॉट ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे किसी भी प्ले के लिए। लेकिन अगर शेक्सपियर की बात की जाए तो उन्होंने करेक्टर को माना है, तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फ्रॉम विच करेक्टर ऑफ शेक्सपियर इज कंसीडर ए रेंडरिंग ऑफ वाइज फ्रॉम मोर्टैलिटी प्ले। तो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है शेक्सपियर का जिसे कि हम वाइज फ्रॉम मोर्टैलिटी प्ले के नाम से जानते हैं, तो ये फॉलस्टॉफ जो कैरेक्टर है, जॉन फॉलस्टॉफ, उसको माना जाता है। आपको पता है जॉन फॉलस्टॉफ जो है वो हेनरी फोर के पार्ट वन और पार्ट टू में आया हुआ है, साथ ही साथ मैरी वाइफ्स ऑफ विंटरसन में भी आया हुआ है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और मैरी साइफ ऑफ विंडसर को स्पेशली एलिजाबेथ ने कहा था कि आप जॉनसन
सॉरी जॉन फास्टफ को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए इस प्ले को आपको लिखना है। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है? जॉन किट्स ओड टू ऑटम इज एग्जाम्पल ऑफ। तो ओड टू एग्जाम्पल कैसा है? तो ये होरोसियन ओड का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको पता है कि ओड्स के तीन टाइप के हम लोग, हमको ऐसे तो मिलते ही हैं, जैसे पिंडारिक ओड मिलता है आपको, फिर इरेगुलर रेगुलर ओड मिलता है, होरोसियन ओड मिलता है। तो किड्स ने ऐसे पर्टिकुलरली, हम ये नहीं कह सकते इन्होंने किसी एक को फॉलो किया है, इन्होंने एक अपने ही नए रूप को लाया। लेकिन ओड टू ऑटम जो है वो आपको को होरोसियन ओड के पैटर्न में देखने को मिलता है। और आपको पता होगा कि ये सेकंड शॉर्टेस्ट प्ले है, क्योंकि इसमें कितनी लाइन है? थ्री स्टेंजास हैं। और एक और ऐसा ओड है, इन्होंने सिक्स ओड लिखा है। कितने ओड लिखे हैं? सिक्स ओड में से दो ऐसे ओड हैं जो कि जिसमें तीन तीन स्टेंजा हैं। एक तो ऑड टू ऑटम है और एक है ऑड टू इंडोलेंस। तो ये दो ऐसा ओड्स है जिसके अंदर आपको तीन तीन स्टेंजा मिलते हैं। तो ये सेकंड कैसे है? क्योंकि इसमें लाइंस ज़्यादा हैं। जो ओड टू इंडोलेंस है उसमें 10 लाइंस हैं, यानी टोटल होगी 30 लाइंस, लेकिन इसमें 33 लाइंस हैं, यानी हर स्टेंजा में कितने हैं लाइनें? 11 लाइंस हैं फॉलो करते हैं। और इसी स्टेंजा में, तो ऑड टू ऑटम में ही ये कहा जाता है कि ऑड टू ऑटम एक काइंड ऑफ यूबिक सेंट है। यूबिक सेंट मतलब क्या होता है? इट मीन्स ए पोयम अबाउट जर्नी, जो कि जर्नी के बारे में बताती है। ऐसी पोयम को ही आप यूबक सेंट कहते हैं। तो ये जो पोयम है ऑड टू ऑटम, ये इसी टाइप की पोयम है। ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विच सेंचुरी इज नोन एज द एज ऑफ सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी। तो कौन सा ऐसा एज था जिसमें कि हमें सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी देखने को मिलती है? तो इसे 18 सेंचुरी को कंसीडर किया जाता है। इसकी स्टार्टिंग तो ऐसे 17 सेंचुरी में हो गई थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिला मूविंग्स ऑफ लाइब्रेरी, वो हमें कहाँ मिला? 18 सेंचुरी यानी विक्टोरिया एरा में। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट। आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एस्पिरेंट, आपका दिन शुभ हो।